सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चिकन स्टिक बना रहे हैं। ये चिकन लिए हमने, पाव किलो चिकन है, सीना है, इसमें बीच में से इसको काट के लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मोजरेला चीज लेंगे, एक टेबल स्पून विनीगर लेंगे, एक टेबल स्पून सोया सॉस लेंगे, एक टेबल स्पून चिली सॉस लेंगे और इसमें से मिक्स सब लेंगे एक टीस्पून। एक टीस्पून हमने लाल कुटी मिट्टी कुटी हुई मिर्ची लेंगे और ये हमने सफेद मिर्ची है, ये सफेद मिर्ची की पाउडर एक टीस्पून लेंगे और इसमें से क्रीम डालेंगे। ये प्याज है, एक प्याज को चॉप करके लिए, एक गाजर को चॉप करके लिए, एक बड़ा आलू है उसको थोड़ा सा गर्म पानी से निकाल के लिए, हाँ उसका छील के लिए उसको, ये दो शिमला मिर्च बारीक काट के लिए, बारीक काट के हमने गोभी लिए और बारीक काट के टमाटर लिए। ये देखो ये सबका हम बताएंगे आपको कैसा बनाने का। ये एक अंडा है और दो टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिए हैं, एक टेबल स्पून हमने काली मिर्च लिए हैं, दो टेबल स्पून मस्का लिए हैं, दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं और एक नींबू लेंगे और एक कोथमीर लेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। चिकन आपको बता चुके, अभी हम बनाने का तरीका बताएं। देखो हमने चिकन को बीच में से काटे, देखो ऐसा बीच में से काटने का काटे, अभी इसको ऐसा ये इससे जरा ठोकेंगे, चपटा करेंगे। देखो हमने चिकन को बीच में से काटे, देखो ऐसा बीच में से काटने का काटे, अभी इसको ऐसा ये इससे जरा ठोकेंगे, चपटा करेंगे। ये देखो एक टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिए, अभी विनीगर डालेंगे, सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, राई का पेस्ट डाले हमने 1 टेबल स्पून, अभी काली मिर्च डाले 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार। अभी ये पूरा मिक्स करेंगे, उसी के अंदर चिकन को मैरिनेट करेंगे। अभी ये इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और साइड में रखेंगे और पूरा भाजी बना देंगे, सॉस बना देंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। टेबलस्पून तेल डाले, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी काली मिर्च डालेंगे, हिसाब से डाल रहे हैं हम, जैसा बना रहे वैसा हिसाब से डाल रहे हैं। अभी चिली फ्लेक्स डालेंगे, पहले आलू डालेंगे, आलू हमने थोड़े से उबाल के लिए हैं, आधे कच्चे हैं आधे पक्के हैं, क्योंकि थोड़ा सा तेल है उसमें ये आलू पकते पकेंगे नहीं, इसके लिए आलू को कुचलने का नहीं अक्का अक्का रखने का। प्याज डाल दिए, अभी शिमला मिर्च आधी डालेंगे, गोभी पूरी डालेंगे, टमाटर डालेंगे, अभी आधा गाजर डालें, अभी इसको पकाएंगे, ज्यादा पकाने का नहीं, हाँ फ्राई करने का है, खाली बारीक गैस रखिए, फ्राई करने का है। अभी नींबू डालेंगे और 1 मिनट पकाएंगे और निकाल देंगे, इसलिए हमने ये बटाटा उबाल के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा पकेगा नहीं इसके लिए। अभी ये भाजी को निकालेंगे, अभी देखो एक अंडा फोड़ेंगे, उसको अंडे को फेटेंगे, दूध डालेंगे,
एक टेबल स्पून दूध लिए हमने, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फेटेंगे अच्छे से। देखो अभी हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिए, ये देखो नमक डालेंगे कॉर्नफ्लोर में, हाँ थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिक्स हर्ब्स डालेंगे, आप ओरिगानो भी ले सकते हैं। मिक्स करेंगे पूरा, एक चिकन को उठा देंगे, ये देखो ये चिकन को उठाएंगे, कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे अच्छे से, ये देखे कॉर्नफ्लोर लगा दिए। फिर अंडे में डिप करेंगे, ये देखो वापस कॉर्नफ्लोर में डाल दिए, अल्टी पल्टी करके लगा देने का अच्छे से। मस्का हमने गरम करने रख दिए, हाँ हमने तेल गरम करने रखे थे, उसी के अंदर अभी हमने चिकन डाल दिए, अभी चिकन को अल्टी पल्टी करके फ्राई करेंगे अच्छे से। चिकन हो गया, अभी इसको निकाल देंगे, ये देखो कितना अच्छे से फ्राई हो गया, अभी इसको निकाल देंगे। व्हाइट सॉस बनाने का है, मस्का डालेंगे, दो टेबल स्पून हमने मस्का डाले और अदरक लहसुन डालेंगे इसके अंदर, हम पीस के लिए आप चॉप करके भी ले सकते। अभी थोड़ा सा मैदा डालेंगे इसके अंदर, उसको भी अच्छे से भुनेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अभी हम क्रीम डालेंगे इसके अंदर, ये देखो और क्रीम डाले हमने, एक डब्बा खत्म हो गया हमारा, दूसरा डब्बा खोले, आप मलाई भी दे ले सकते हैं, हमारे पास मलाई है लेकिन वो मलाई फ्रीजर में है तो छुट्टी नहीं, इसलिए हमने क्रीम ली। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, सब डालेंगे, ये सफेद मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, अभी इसको अच्छे से जरा पकाएंगे, बारी गैस की हमने। अभी गाजर डालेंगे, अभी ये चीज डालेंगे, हमने मोजरेला चीज लिए हैं, आप कोई भी चीज ले सकते हैं, हमारे पास मोजरेला है, हमने मोजरेला चीज लिए। देखो गाढ़ा होने तक पकाने का, इसको गाढ़ा हो गया सॉस, अभी हम सब करके आपको बता रहे, ऐसा गाढ़ा होना चाहिए। देखो कितना अच्छा हमने चिकन स्टीम बनाया, एकदम फर्स्ट क्लास हमारे तरीके से बनाए, बहुत अच्छा टेस्टी बनाया, ऐसा बनाओ तुम भी बनाओ, ऐसा फोटो भेजो महक किचन में, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
Please, Allah Hafiz.